अलगम स्टूडेंट्स दिस इज शमसा कमवल एंड वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग स्ट्रैटजीज़ एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर वन तो इस लैक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम मेनली रीडिंग स्ट्रैटजीज़ कौन कौन सी हैं उसके सग्निफिकेंस क्या है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं सो फर्स्ट ऑफ आल हम लोग देखेंगे वॉट आर रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती क्या हैं द प्लान एक्शन विच हेल्प द रीडर्स टू गेट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट कोई भी प्लान्ड एक्शन जो है ये एक आ, जो है प्लान्ड एक्शन होता है कि जो आप बिफ़ोर यू गो टू तो रीडिंग तो आप उससे पहले प्लान करते हैं कि आपको रीडिंग करनी है किसी भी टेक्स्ट की आ, वो आपका टेक्स्ट बुक हो या आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो वट शुड बी द ले आउट वट शुड बी द स्ट्रैटी वोट शुड बी द टेक्निक जो आप उसको यूज़ करेंगे ताकि आप उसका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ सकें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्लैंड एक्शंस विच हेल्प द रीडर्स टू गेट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट आर कॉल्ड रीडिंग स्ट्रेटजीज इसकी इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है जी इट हेल्प्स इन द कॉम्प्रिंशन ऑफ द टेक्स्ट यानी आप कोई भी टेक्स्ट है आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कॉम्प्रीह कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसका मीनिंग समझ सकते हैं नंबर टू हेल्प्स टू लर्न एज टू हाउ गुड रीडर्स मी थिंक सिर्फ ये नहीं पता चलेगा बल्कि आप जिस वक्त इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे एक सिंपल रीडिंग होती है जो तो आपने कर ली है एक जब आप जब इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे तो यू विल लर्न एज टू हाउ गुड रीडर्स मे थिंक कि अच्छा रीडर जो होता है वो किस तरह से काम करता है किस तरह से सोचता है वेन ही इज़ रीडिंग अ टेक्स्ट तो ये चीज़ हमें इसमें पता चलेगी अब उसके बाद ये देखने के लिए कि वट टाइप ऑफ रीडिंग uh, स्ट्रेटजीज जो है हमें कौन 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 सी रीडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो हमें उसको फॉलो करना है हमें उसको अडॉप्ट करना है तो इसमें क्या है जी द पर्पज़ ऑफ़ रीडिंग Determines which strategy or strategies to use. आपका पर्पज़ क्या है आप किस वजह से रीडिंग कर रहे हैं टेक्स्ट को क्यों पढ़ रहे हैं आप क्या आपने बुक शॉप में गए हैं और आपने ऐसे ही कोई नावल निकाल लिया है कोई मैगज़ीन निकाल लिया है और आप उसको देख रहे हैं क्या आपने उसको परचेज़ करना है या नहीं करना है तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी डिटर्मिन करेंगी कि आप किस तरीके से आपने उसको रीडिंग करनी है या आपकी टेक्स्ट बुक है और आप उसको लर्न कर रहे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या आप एक नॉवल ले आए हैं और आपने उसको पढ़ना है फॉर द प्लेजर ओनली कि आप उसको सिर्फ पढ़ें या दैट्स ऑल तो इस तरह से uh, जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि जी जो रीडिंग है उनका हॉबी uh, है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि आप uh, कौन सी स्ट्रैटीज़ यू आर गोइंग टू यूज़ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजीज इसमें हमारे पास सिक्स टाइप्स हैं रीडिंग स्ट्रेटजीज की तो सिंस uh, आपके पास कोई ऐसा uh, पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि जिसमें आपको बताया जाए कि कौन सा वाला रीडिंग स्ट्रेटजी जो है वो आपको पेपर में आने वाला है और जो लोग सिर्फ इसको नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये सब रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं इनके बारे में पता होना चाहिए जिसमें ऑलमोस्ट हम तमाम चीज़ें कवर करने वाले हैं तो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ रीडिंग स्ट्रैटीज़ नंबर वन डिंग स्ट्रैटेजीज जिस तरह बिल्कुल हमने प्रोसेस ऑफ राइटिंग में पढ़ा था हमने थ्री से लेकर सेवन तक प्रोसेस ऑफ राइटिंग पढ़े थे तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास हैं जी सिक्स रीडिंग स्ट्रैटेजीज नंबर टू फाइव रीडिंग स्ट्रैटेजीज नंबर थ्री फोर रीडिंग स्ट्रैटेजीज एंड नंबर फोर एस क्यू थ्री आर रीडिंग सिस्टम एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज़ फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इज़ कंसर्न क्योंकि अक्सर एग्जामिनर्स जो हैं वो इनको ये टर्म बहुत पसंद है और वो एस क्यू थी एस क्यू थ्री आर रीडिंग सिस्टम के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं नंबर फाइव इज़ द पी ट्यू आर सिस्टम नंबर सिक्स द एस रन सिस्टम तो इस वाले लेक्चर में हम लोग जो थ्री फर्स्ट थ्री स्ट्रैटेजीज़ हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं और लेकिन वो थ्री स्ट्रैटेजीज़ पढ़नी इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर अगले तीन सिस्टम्स को आपने समझना है तो आपको ये थ्री स्ट्रैटेजीज़ भी पढ़नी होंगी सो गो टूवर्ड्स सिक्स रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो सिक्स रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ में मैक्सिमम रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जब आगे जो हमारी फर्दर टाइप्स हैं तो उसमें से इसकी कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं कुछ फेजेस जो हैं वो हमारे उसमें इंक्लूड होंगे नंबर वन इज प्रीव्यूइंग नंबर टू स्किमिंग नंबर थ्री स्कैनिंग नंबर फोर इंटेंसिव रीडिंग नंबर फाइव एक्सटेंसिव रीडिंग एंड नंबर सिक्स क्रिटिकल रीडिंग जी कम टू प्रीव्यूइंग प्रीव्यूइंग क्या है जी इट मीन्स गेटिंग एन आइडिया और ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग इट यानी आप किसी बुक शॉप में गए आपने एक मैगज़ीन पकड़ा है या आपने एक जो है नावल पकड़ा है या कोई भी आपने बुक पकड़ी है तो अब आप उसको देखते हैं उसके बारे में एक प्रीव्यू होता है आपका एक आइडिया होता है अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक और नावल और जो कुछ भी आपने उसको पकड़ा है आर्टिकल है मैगज़ीन है कुछ भी ये जर्नल है तो वो आप को उसका जो ओवरव्यू है उसका वो सिर्फ़ उस टेक्स्ट का आपको किस तरह से हासिल होगा किस तरह से होगा विदाउट रीडिंग है आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं आप उसको देखेंगे आपको उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ नज़र आएंगे इमेजेस नज़र आएंगे आपको हो सकता है कि अगर उसमें फ़ोटोज़ नहीं है इमेज़ नहीं हैं तो आप उसकी हेडिंग्स उसके टाइटल्स से आपको पता चलेगा कि आपने जो बुक आपके हाथ में है वो किसके बारे में है किस चीज़ के बारे में उसका टॉपिक क्या है उसका सब्जेक्ट क्या है तो ये चीज़ जो है इसको क्या कहते हैं इसको ओवरव्यू कहते हैं या एक आइडिया कहते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक और इन आर्टिकल ठीक है इसी तरह जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं वहाँ पर आपने एक बुक इशू करवानी है टीचर ने कहा है कुछ भी पढ़ना है आपने तो अब आप वहाँ पर जाकर तो uh, जब आप देखेंगे कि कबर्ड्स आपके बंद हैं और आपने एक बुक इशू करवानी है एंड यू डोंट नो अबाउट द बुक बुक्स तो आप क्या करेंगे उसका एक प्रीव्यू उसका एक आइडिया लेंगे किस तरह से जो उस बुक का टाइटल होगा उससे तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि जो उस बुक का टाइटल होगा उससे आप उस बुक के बारे में ओवरव्यू लेंगे उसका आइडिया लेंगे और समटाइम्स ये फ्लॉप भी हो जाता है क्योंकि आप लोग बड़े मज़े से उसका टाइटल देखकर आप समझते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक होगी या ये कोई स्टोरी बुक होगी ये फिक्शन होगा इसमें लेकिन जिस वक्त आप खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एसेस हैं उसमें और वो एक रियलिस्टिक टाइप ऑफ उसमें राइटिंग है तो वो फिर आपके उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता एनी हाउ हम बात कर रहे हैं ओवर व्यूअर आइडिया ऑफ द टेक्स्ट विदाउट रीडिंग इट इसको जहन में रखना है विदाउट रीडिंग इट और प्री का जो वर्ड है यहाँ पर उसको मैंने तोड़कर बताया है आपको ताकि पता चल जाए कि ये प्री है यानी कि ये रीडिंग से पहले की एक्टिविटी है अब ये प्री व्यूइंग करती क्या है इट हेल्प्स टू डिसाइड वेदर अ बुक और आर्टिकल इज यूजफुल यानी कि जो बुक आप के सामने है आर्टिकल आपके सामने है आपने उसको पढ़ा नहीं है बट इट हेल्प्स यू टू डिसाइड कि ये आप बुक आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं ये आर्टिकल यूजफुल है कि नहीं नॉर्मली आपके बी के जो स्टूडेंट्स जब आप पढ़े होते हैं तो आपको आ, कहा जाता है कि जी ये आपने तैयार करना है असाइनमेंट बनाना है तो उसके लिए आप जब लाइब्रेरी जाते हैं तो यू डोंट नो अबाउट द बुक्स तो फिर आपने उनके जो आ, टाइटल्स होते हैं उससे आपने उस बुक का आइडिया ओवरव्यू लेना होता है कि आपके असाइनमेंट कि बुक आपको हेल्प करेगी या नहीं टू गेट अ जनरल व्यू ऑफ द बुक और आर्टिकल और ये आपको ये भी हेल्प करता है कि आप उस बुक या आर्टिकल के बाद में बारे में एक आपके पास जनरल व्यू आ जाता है कि इस बुक में ये हो सकता है नेक्स्ट इज टू हेल्प इन फाइंडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन इररेलेवेंट सेक्शंस अब ये क्या है ये आपने बुक आपके हाथ में आ गई है अब आपने फाइनली उसको डिसाइड करना है कि आपको बुक ये परचेज करनी है या नहीं करनी आपको ये बुक लाइब्रेरी से इशू करवानी है कि नहीं करवानी उसके लिए क्या होगा कि आप बुक को खोलेंगे और ऐसे ही बस आप उसके पेजेस को आगे पीछे करेंगे और देखेंगे उसमें उसमें जो आपका एक बर्ड्स आई व्यू होगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं ये कौन सी हेडिंग्स जो हैं कौन से पेजेस जो हैं वो आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे है है उसमें और विच ऑफ द पेजेस डोंट हैव रेलिवेंट से रेलिवेंट टेक्स तो वो इेलिवेंट पेजेस हो जाएंगे आपके ये रेलिवेंट चैप्टर्स हो जाएंगे जैसे आप बहुत सारे कहते हैं जी मैंने बुक ली तो है लेकिन मुझे इसमें लगता है कि ये जो दो चैप्टर्स हैं तो बिल्कुल इरेलीवेंट हैं इनका मेरे टॉपिक से मेरे असाइनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये दीज फोर आर वेरी मच रेलिवेंट तो अभी इसमें क्या करना होता है आप किस तरह से प्रीव्यू करते हैं किस तरह से आपको आइडिया आता है किसी बुक आर्टिकल के बारे में तो वो क्या है जी नंबर वन इज़ द टाइटल एंड ऑथर डिटेल्स एंड द एबस्ट्रैक्ट अब ये जो अक्सर होता है आपकी बुक के ऊपर जो टाइटल होता है उससे आपने प्रीव्यू कर लिया मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है विदाउट रीडिंग तो आप ये कर रहे तो उसके अलावा ये होता है कि आपके पास ऑथर की डिटेल्स होती हैं कुछ ऑथर्स के बारे में आप लोग श्योर होते हैं कि ये ऑथर जो है ये फ़िक्शन पर लिखता है ये रियलज़्म पर लिखता है ये आपकी हिस्ट्री पर लिखता है ये इस ये जो है ये पोइट्री करता है मतलब तो ये आपको ऑथर की डिटेल से पता चल जाता है समटाइम्स उसका एब्सट्रैक्ट आप पढ़ लेते हैं एब्सट्रैक्ट को पढ़ते भी नहीं हैं सिर्फ आप उसको एक दे, नज़र देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये जो बुक है ये किस चीज़ के बारे में है या ये आर्टिकल जो है ये किस चीज़ के बारे में है नंबर टू मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अब आप सफ़े पलट रहे हैं और आपके सामने कुछ मेन हेडिंग्स और सब हैडिंग्स आ रही हैं और समटाइम्स आप कंटेंट्स के अंदर ही हैं कंटेंट्स में ही आपको पता चल रहा है कि इसमें मेन हेडिंग्स ये हैं सब हेडिंग्स हैं और, और यहीं से आपको पता चल जाता है एक प्रीव्यू आपके पास आ जाता है नंबर थ्री एनी इलस्ट्रेशन ग्राफ्स टेबल्स और डायग्राम्स ये जो मैंने पहले बात की कि आप मैगज़ीन खोल रहे हैं या आप बुक खोल रहे हैं उसमें आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं इलास्ट्रेशन नज़र आ रही हैं ग्राफ्स नज़र आ रही फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेंगी पर सर्च करना है तो आप जब सब चाहेंगे लाइब्रेरी में तो आपने डेंगी के ऊपर एक टाइटल आपको मिल गया आपने उसको खोला अब उसके बीच में आपको डिफरेंट डायग्राम्स डिफ़रेंट अलस्ट्रेशंस नज़र आएंगे तो आपको पता चल जाए कि ये बुक जो है वो आपके फ़ायदे की है या नहीं है और ये इसका क्या आपके जहन में आइडिया है नेक्स्ट इज़ फो फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ अब ये है कि आप कॉन्टेंट से आगे जाते हैं और आप तकरीबन हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं तो कुछ पेजेस पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाती है कि ये बुक जो है उसका uh, क्या आइडिया है ये बुक किस चीज़ के बारे में है फास्ट तो प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होता है विदिन मिनट्स आपको, ये काम करना होता है. आपको ये reading, ये वाली टाइप की जो रीडिंग है वो करनी होती है स्किमिंग इसमें होता क्या है स्केम जैसा कि आपको इसका जो वर्ड है जो पर्टिकुलर वही आपको बता रहा है कि इसका मतलब क्या है जी क्या है जिस्ट रीडिंग आपने सिर्फ देखना है और देख कर आपने अंदाज़ा लगा लेना कि इसके अंदर क्या होगा गोइंग थ्रू द टेक्सट टू द गेट द मेन आइडिया आपने टेक्स्ट को देखना है एक नज़र दौड़ानी है उसके ऊपर और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या है जैसे आपने उर्दू का नावल इशू कराना है या आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप नावल इशू कराने जा रहे हैं तो आप उसको एक नज़र देखेंगे और एक दो सेंटेंसेस पढ़ने के कुछ पेजेस के बाद पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि ये बुक इंटरेस्टिंग है या नहीं है तो दिस इज़ कॉल्ड स्किमिंग अब इसमें क्या होता है नो नीड टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड आपने हर वर्ड पढ़ना नहीं होता है बट मूविंग आईज क्विकली विदाउट पेइंग अटेंशन टू डिटेल अब इसमें आपने करना होता है अपनी आंखें जो तेज़ी से घुमानी होती हैं मूविंग वेरी फास्टली क्विकली तो उसमें क्या होता है कि जब आप आइस घुमा रहे होते हैं तो आपके जहन में चूंकि उसका टाइटल देखकर एक इमेज बन गया है तो अब आपकी आइज़ जो हैं वो जब वो घूमेंगी स्किम करती जाएंगी कुछ वर्ड्स तो कुछ पर आकर वो रुक भी जाएंगी तो वो चीज़ें जो होंगी वो आपकी अटेंशन में आ जाएंगी और तब आपको पता चल जाएगा कि जी ये आपको बुक जो है ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं नोट एनी बोल्ड प्रिंट अब इसमें आपने करना क्या होगा स्किमिंग में इसमें आपके जो बोल्ड लेटर्स होंगे sometimes आपने देखा होगा कि कुछ आपके सेक्शंस uh, के अंदर कुछ आपके चैप्टर्स uh, के अंदर ही जो है कुछ वर्ड्स जो है वो आपके बोल्ड लेटर्स में टाइप किए हुए होते हैं या उसकी जो uh, headings होती हैं या उसमें कुछ आपको पिक्चर्स नज़र आ जाते हैं कुछ images नज़र आ जाते हैं तो आप उनको ज़रूर देख लेते हैं एक मरतबा रुक कर या समटाइम्स आपको कुछ फ़ोटोज़ नज़र आ गए उसमें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये इसमें में क्या है है में sometimes ये होता है कि जिसमें आप पूरा नहीं पढ़ रहे होते बट यू हैव टू गेट द जिस्ट ऑफ यानी उसका जो अंदर जो उसका मरकजी ख्याल है जो उसका थीम है जो उसका निचोड़ है वो आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट एक दो या दो पैराग्राफ छोड़कर या हर पैराग्राफ का फ़र्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है तो वो आपके पास एक जो है वो पता चल जाएगा आपको कि इसमें क्या चीज़ है तो इसकी एग्जांपल क्या है जी रीडिंग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आप सारे मैगज़ीन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे होते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होते हाँ उसमें कुछ स्टोरीज़ या कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो आप पढ़ते हैं अदरवाइज़ आप सिर्फ उसको स्किम कर रहे होते हैं नेक्स्ट इज सर्चिंग फॉर अ नेम इन टेलीफोन डायरेक्टरी तो उसमें भी चूँकि आपके माइंड में सेट होता है कि आपने ये वाला नाम ढूंढना है तो टेलीफोन डायरेक्टरी के आप पेजेस यूँ पलट रहे होते हैं और आपके वो नाम जो है वो आपकी आइज़ ढूंढ रही होती हैं तो वो स्किमिंग इसके आइज़ जो ढूंढ रही होती हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है स्कैनिंग का तो स्कैनिंग में जो है वो आपकी आईज स्कैनिंग तो कर रही हैं वो क्या कर रही हैं द टेक्निक ऑफ़ रिजेक्टिंग और इग्नोरिंग इन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू गेट अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपने माइंड में सेट किया हुआ है कि मेरा ये टॉपिक है मुझे उससे रिलेटेड ये चीज़ ढूंढनी है तो वो आपकी आइज़ जो है स्कैन करेंगी पूरा टेक्स्ट आपके आँखों के सामने है आपकी आइज़ दौड़ रही हैं घूम रही हैं मूव कर रही हैं अक्रॉस द टेक्स्ट और एंड यू आर गोइंग टू रिजेक्ट और इग्नोर सम एरेवेंट इन्फॉर्मेशन और जहाँ पर आपको अपनी कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो नज़र आएगी वहीं पर आप रुक जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये चीज़ है जो आप चाह रहे थे क्विकली मूविंग आइज अक्रॉस सेंटेंसिस टू गेट अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपकी आइज घूम रही हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए आफ्टर गेटिंग एन ओवर व्यू एंड स्किमिंग आइडेंटिफाई द सेक्शन और सेक्शन ऑफ द टेक्स नीडीड टू बी रेड अब इसकी जब आपने ओवर व्यू भी कर लिया आपने स्किमिंग भी कर लिया अब आप स्कैनिंग पर आते हैं तो स्कैनिंग में क्या होता है कि आपने टेक्स्ट में से वो चीज़ ढूंढनी है वो पार्ट ढूंढना है वो पीस ढूंढना है जो आपने अच्छे से पढ़ना है एज सोन एज द आई कैच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ फ्रेज जैसे ही आपको फॉर एग्जाम्पल आप रेजोल्यूशन uh, पर कुछ ढूंढ रहे हैं तो जैसे ही आपको वर्ड रेजोल्यूशन क्लिक करेगा फ़ौरन देख लेंगे कि इसमें कुछ है जैसे आप कॉम्प्रीहशन करते हुए समटाइम्स क्वेश्चन ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें आप एक पर्टिकुलर फेज को आप जहन में रख लेते हैं तो जहां पर भी वो वर्ड यूज़ होता है पैराग्राफ में उसके बाद आप नहीं देखते कि इसमें इसका कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है कि नहीं बस आपने वो वर्ड देख लिया और आपने वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं कि यहां पर ही मेरी वो इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है तो इसमें होता है कि ही वो पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज आपके जहन में नजर में आता है आपकी नजर वहां ठहर जाती है तो आपने करना क्या होता है स्लो डाउन टू रीड इट मोर थॉरली वहां पर आपको रुकना है स्टॉप करना है और स्लो डाउन हो जाना है और रीडिंग करनी है स्लोली करनी है थॉरली करनी है ताकि आपको उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो आप आपको मिल जाए स्कैनिंग एंड स्कैमिंग कैन ओनली बी यूज़ टू लोकेट मटीरियल क्विकली कि जिस तक आपको ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े आपने असाइनमेंट बनानी है और आप उसमें से ढूंढ रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए कौन सा मटेरियल जो कौन सा टेक्स्ट का पार्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जिसको जो आपको चाहिए वो उसके अंदर मौजूद है तो वो स्कैन के ज़रिए स्केमिंग के, के जरिए आपको पता चल रही होती हैं नेक्स्ट यू कम टू इंटेंसिव रीडिंग है अभी इंटेंसिव रीडिंग जैसा कि आपको पता चल रहा है कि बहुत शदीद किस्म का आपको इसमें करना है पढ़ना है तो ये फोकस्ड रीडिंग होती है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं जब टीचर आपको कहते हैं अच्छे ठीक तरह से पढ़ कर आना है तो वो आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं अ डिटेल्ड फोकस्ड स्टडी रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट Uh, जो ये स्टडी है जी जिसमें रीडिंग ऑफ़ द टेक्स्ट होती है और बड़ी फोकस्ड होती है और डिटेल में आप पढ़े होते हैं यानी इसमें स्किमिंग की तरह से आप नज़र नहीं दौड़ा रहे होते स्कैनिंग की तरह से आप कुछ वर्ड्स को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करने जा रहे होते बल्कि आपने वर्ड टू वर्ड आप सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं मोर टाइम कंज्यूमिंग है देन स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्योंकि इसमें uh, जो है वो आप स्किमिंग uh, और स्कैनिंग की तरह कुछ मिनट्स में आपने उसका जस्ट नहीं लेना होता बल्कि आइडिया नहीं लेना होता बल्कि वो जो है आपने इसको अच्छे डिटेल में पढ़ना होता है नीड्स द रडर रीडर्स अटेंशन टू डिटेल अब इसमें रीडर की अटेंशन भी चाहिए होती है और जो है वो इसी तरह से हो सकती है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें फोकस होकर फोकस uh, करके पढ़ें तो फोकस्ड रीडिंग है ये जी एंड इट अनवॉल्व्स क्लोज रीडिंग दैट टेम्स एट द एक्यूरेसी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन तो इसमें क्या है कि आपको बहुत करीब से बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस्ड आपको रीडिंग करनी है तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्रीहशन की एक्यूरेसी आपके जहन में होती है क्योंकि इससे आपने समझना होता है ये आप सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए नहीं कर रहे हैं यानी स्कीमिंग और स्कैनिंग से टोटली डिफरेंट है तो इसलिए जो है इसमें आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है एंड हैज़ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड तो चूँकि कॉम्प्रीहेंशन मैटर करती है इसलिए इसमें आपको ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो पढ़ना होता है यानी इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं आपको ये इंटेंसली uh, और फोकस रख कर पढ़ना होता है अब इसमें होता क्या है किस तरीके से की जाती है इंटेंसिव रीडिंग आफ्टर पी वी, वी विंग स्कैमिंग एंड स्कैनिंग स्लो डाउन फॉर इंटेंसिव रीडिंग जैसे स्कैन हो गया अब आप वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ जो आपने याद करना है तो वो आप समटाइम्स उस स्कैन के करके ढूंढते हैं और समटाइम्स आपको पता होता है कि दिस इज योर टारगेटेड टेक्स्ट और आपने उसको पढ़ना है तो आप क्या करते हैं नंबर वन स्टार्ट एट द बिगिनिंग अब बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं ये वही रीडिंग स्ट्रैटिजी है जो कि हम लोग इंटर से भी सीखते चले आ रहे हैं जो आपको आ, इंटर की जो आ, आपके लेक्चर्स हैं उसमें भी आपको बताया गया कि जब आपने किसी भी लेक्चर को आ, पढ़ने से पहले आपने उसको प्रिपेयर करना है क्लास रूम एक्टिविटी तो आपने उसको पढ़ कर आना है तो वो रीडिंग जो है वो इस टाइप की होती है इंटेंसिव रीडिंग जिसको हम आ, नाम देते हैं तो वो क्या है जी स्टार्ट एट द बिगनिंग Underline any unfamiliar words or phrases. अब वो अंडरलाइन इन अनफेमिलियर वर्ड्स कौन से यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपने सुने नहीं हैं या आपने सुने हुए थे लेकिन आपने कभी बॉडर नहीं किया कि इनका मीनिंग क्या होना चाहिए तो वो आपने वो जो वर्ड्स और फ्रेजेज़ हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है बट डू नॉट स्टॉप रुकना नहीं है यहाँ पर आपने उनको रुकना नहीं वहाँ पे आकर आपने पढ़ते चले जाना है एंड इफ द टेक्स्ट इज़ रिलेटिवली इजी अब समटाइम्स होता है कि टेक्स्ट आपका बड़ा इजी है आपको सारे मीनिंग्स आते हैं अंडरलाइन हाईलाइट और मेक ब्रीफ नोट्स अंडरलाइन अब आपने क्या करना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या उनको हाईलाइट कर लें या उनको हाईलाइटर आपके पास अवेलेबल होता है नहीं होता तो अंडरलाइन कर लीजिए तो उसके क्या करना है बाद में आपने उनके ब्रीफ़ नोट्स बनाने हैं कहाँ पर समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो अपनी बुक्स के ऊपर ही बहुत छोटा छोटा चुना मुन्ना से लिख लेते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी टेक्स नोटबुक्स पर ये नोट ले रहे होते हैं तो नंबर थ्री इज टेक्स्ट इज डिफिकल्ट अब इजी के लिए क्या था हमने अंडरलाइन और हाईलाइट कर लिए और उनके नोट्स बना लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसके बाद नंबर थ्री जो है उसमें यह है कि अगर टेक्स्ट डिफिकल्ट है अगर टेक्स्ट डिफिकल्ट है तो फिर आपने क्या करना है जो रीड इट थ्रू एट लीस्ट वंस पहले एक मरतबा पढ़ें उसके बाद आप आएंगे अपने अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स पर और फिर आप नोट्स बनाएंगे बिफोर मेकिंग नोट्स तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी कि आप उसको एक बार पढ़ते हैं आप उसको दो बार पढ़ते हैं आप उसको ज्यादा बार पढ़ते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी बी अलर्ट टू द मेन आइडियाज़ अब आपके जो मेन आइडियाज़ हैं आपने उनको फोकस में रखना है कि ये आपके मेन आइडियाज़ हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लिया हुआ है और अंडरलाइन कर लेना है हाईलाइट कर लेना जैसे आपको मिलते हैं और उसमें होता क्या है आपका फार्मूला क्या होता है कि ईच पैराग्राफ कंटेन द मेन आइडिया हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ऑफन कंटेन इन टॉपिक सेंटेंस और वो जो टॉपिक सेंटेंस होता है और ऑलमोस्ट एक जनरल फार्मूला है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका जो पैराग्राफ का फ फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस होता है दैट इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ और उसी में मेन आइडिया होता है छुपा हुआ होता है लेकिन uh, वही बात जो मैंने कही है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस जो है वही आपका मेन आइडिया होगा तो आपने मेन आइडिया को कैप्चर करना है उनको हाईलाइट कर लेना है और व्हेन फिनिश्ड गो बैक टू द अनफेमिलियर वकेबलरी लोकेट अप इन अ डिक्शनरी जब आपने रीडिंग कर ली है इंटेंसिव रीडिंग अप कर चुके हैं अब वो आपने इन अनफेमिलियर वर्ड्स जो आपने यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया था अब आप उनको डिक्शनरी में से उनका मीनिंग ढूंढ लीजिए तो इससे क्या है कि आपको कम्प्लीट कॉम्प्रहेंशन हो जाएगी उस टेक्सट की नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिविव रीडिंग में क्या है जी मोर एम्फेसिस ऑन फ्लून्सी एंड लेस ऑन एक्यूरेसी अब इसमें आप तेज़ी से पढ़ रहे हैं अब इसमें एक्यूरेसी नहीं आपकी मैटर कर रही है यानी कि इसमें आपने वो जो अंडरलाइन किया था जो 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 आपने उसमें हाईलाइट किए थे अनफ़ेमिलियर वर्ड्स आपने निकाले थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने निकाले थे तो आपने उनको नहीं निकालना है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ते चले जाना है बिकॉज इट इन्वॉल्वस रीडिंग फॉर प्लेजर इसमें आप नॉवल पढ़ रहे हैं डिफ़िकल्ट uh, वर्ड्स होते हैं उसमें समटाइम्स कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स भी होते हैं बट सिंस यू आर रीडिंग फॉर योर प्लजर तो फिर आप उसमें फिर आपको आ, फोकस नहीं होता कि आप इसमें मेन पॉइंट्स कौन से हैं या इसमें आपके कॉम्प्रीहशन पूरी होनी चाहिए और मेनली इट इज एन आउट ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी यानी कि क्लासरूम में आप ये एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कर रहे होते क्लासरूम में आप हमेशा इंटेंसिव रीडिंग ही करेंगे ठीक है तो एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी प्लेजर पर्पज़ के लिए होती है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है जी उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल रीडिंग क्रिटिकल रीडिंग में क्या होता है जी मे बी और मे नॉट बी इन आउट ऑफ क्लास रूम एक्टिविटी के समटाइम्स तो आप uh, सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ रहे होते हैं अपने बुक रिव्यू लिखना होता है या समटाइम्स ये भी होता है कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होते हैं किसी भी गिविन uh, पैसेज की गिवन टेक्स्ट की गिवन पोएम्स की यही, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं तो इसमें क्या होना होता है आपने बीग क्रिटिकल डस नॉट मीन सिंपली क्रिटिसाइजिंग और फाइंडिंग फॉल्ट क्रिटिकल का मतलब जो है कि एज्यूम किया जाता है कि आपने सिर्फ किसी के ऊपर तनकीद करनी है नेगेटिव आपने पॉइंट्स ही निकालने हैं फाइंड फॉल्ट फॉल्ट ही फाइंड करना है ऐसा कुछ नहीं है इट मीनस अंडरस्टैंडिंग हाउ आइडियाज है देयर स्ट्रेंग्स एंड वीकनेसेस इसमें आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना होता है कि आइडियाज़ को किस तरह से कन्वे किया गया है और वो जो आइडियाज हैं वो कितने स्ट्रॉग हैं और कितने वीक हैं यानी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें देखना होता है यानी कि राइडर uh, जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने कंपेयर करना होता है विद योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें आपको क्या मिलता है जी क्रिटिकल रीडिंग करने के बाद यू गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इसमें आपको बहुत अच्छे से जो टेक्स्ट है वो समझ में आ जाता है तो क्योंकि जो आपका uh, जो इंटेंसिव uh, रीडिंग था उसमें आपने सुपरफिशियल मीनिंग्स जो थे वो उनको देखा था लेकिन क्रिटिकल रीडिंग जो है ये आपका डीपर मीनिंग्स को इवेल्यूएट uh, करने जा रहा है तो इसलिए डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें इट इन्वॉल्व रीडिंग इन डेप्थ एंड एक्टिवली क्वेश्चनिंग वॉट इज रेड कि क्या पढ़ा जा रहा है आपने उसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं और उसकी डेप्थ में जाना है तो इसमें क्वेश्चंस क्या करने हैं अपने क्रिटिकल रीडिंग में जब आप पढ़े होंगे तो क्या होगा जी आप उसमें देखेंगे ऑथर का पर्पस क्या व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस और उसको किस तरह से आप देखेंगे कि वाई उसका ये पर्पस क्यों है और फॉर होम किसके लिए उसने ये पर्पस चूज़ किया है क्या वो सोसाइटी के लिए देना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए देना चाहता है तो या फिर उसका अपने लिए है उसके बाद वो व्हाट इज़ द पर्पस वो वर्क पर्पस है क्या और फिर हाउ हाउ इट इज़ कन्वेड किस तरह से वो कन्वे किया गया है नंबर टू इज़ द कंटेंट वो कंटेंट क्या है जी कंटेंट में आपको मेन थीम निकालना होता है व्हाट इज़ द मेन थीम मेन थीम जो होता है वो कंटेम्प्रेरी इशू भी हो सकता है वो फिलॉसफी भी हो सकती है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स फिर वो जो मेन पॉइंट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन और एविडेंस टू सपोर्ट उसने क्या चीज़ें यूज़ की हैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए और जो उसने उसमें एविडेंस दिए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तो आर दे बायस्ड और न्यूट्रल क्या वो जो उसके राइटर uh, के व्यू पॉइंट्स हैं वो बायस्ड हैं या न्यूट्रल हैं फिर उसके बाद वेल रिसर्च और नॉट उसने उसको रिसर्च किया है या नहीं किया है उसने ऐसे ही लिख लिया है विच एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक मोर फोकस्ड कौन से टॉपिक के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो उसने राइटर ने ज़्यादा फोकस किए हैं और कौन से नहीं किए हैं एनी ग्राफिक इलस्ट्रेशन क्या उसने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए बताने के लिए समझाने के लिए उसने कोई फोटोज़ का सहारा भी लिया है इमेज का सहारा भी लिया है कोई ग्राफ्स भी बताए हैं विच ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट आंसर्ड और वो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपने माइंड में बनाए हुए थे तो क्या वो उसने आंसर किए हैं एंड विच आर लेफ़्ट आंसर में से कौन से क्वेश्चन है जिसका उसने आंसर नहीं किया है क्योंकि कुछ जो आपने प्रीव्यू में अपने एक जहन में इमेज बना लिया था उस टेक्स्ट का तो क्या उसने उसको आंसर किया है या नहीं किया एनी कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन क्या उस कॉन्टेंट के हवाले से कुछ चीज़ें होती ना आपको समझ नहीं आती कि राइट मुझे ये नहीं समझ आया कि राइटर नहीं क्यों लिखा तो ये कॉन्फ्यूजन ये कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है उसके बाद है जी स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में क्या है कि जी उसका फ्रेमवर्क क्या है और क्लियरली uh, एक्सप्लेन है या नहीं है हाउ इज़ द थीम रिफ्लेक्टेड और उसने अपना जो थीम है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट किया है हाउ इज़ द कॉन्टेंट ऑर्गेनाइज एंड डेवलप्ड और उसने जो अपना कॉन्टेंट है उसको किस तरह से उसने बिल्डअप किया है किस तरह से डेवलप किया है किस तरह से आप तक कन्वे किया है ये सारा उस स्ट्रक्चर में पता चलता है जी उसके बाद है जी कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंक्लूजन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी के जो कंक्लूजन है क्या उसका कोई ताल्लुक बनता है इंट्रोडक्शन से और बॉडी से यानी कि जैसे अक्सर आप किसी के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं कि जी ये मैंने स्टोरी पढ़ी तो है लेकिन ना इसका कोई सर है ना पैर है आपस में चीज़ें रिलेट रिलेट ही नहीं कर रही हैं कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रही हैं तो ये कोऑर्डिनेशन आपने उसमें से फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट स्टाइल एंड फॉर्मेट कि उसका स्टाइल क्या है राइटर का फॉर्मेट क्या है क्या वो फॉर्मल है और इनफॉर्मल है सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है डायडेक्टिक है और परजवेसिव है नैरेटिव है और एनालिटिकल है और फिर उसके बाद जो उसका स्टाइल है उसका इन्फ्लुएंस क्या है क्या वो ओवरवेलमिंग है बहुत अट्रैक्टिव है बहुत जो है वो अथॉरटिव uh, है किस किस्म का आपका उसका इन्फ्लुएंस है नेक्स्ट जो है वो आपकी फाइव रीडिंग स्ट्रैटजीज़ आ गई हैं फाइव रीडिंग स्ट्रैटजीज़ में आपके फाइव फेजेस हैं जिसमें आपकी क्रिटिकल रीडिंग नहीं है बाकी सारे के सारे आपके फेजेस मौजूद हैं प्री व्यूविंग है स्किमिंग है स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग है नंबर फोर में आपके रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ में स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग है इसमें प्री नहीं है आप डायरेक्ट आप स्किमिंग की तरफ चले जाते हैं दीज आर योर फोर रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ ये आपके रेफ्रेंस है जहाँ से इसको कंसल्ट किया थैंक यू एंड अल्लाह हाफ